नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। बदायूं में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित सभागारों में पंचायती राज विभाग की देखरेख में दिया जा रहा है टास्क फोर्स के लिए प्रशिक्षण। ग्राम पंचायतों में चुने गए टास्क फोर्स का प्रशिक्षण जनपद बदायूं के सभी विकास खंडों पर 16 जनवरी से ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित सभागारों में पंचायती राज विभाग की देखरेख में चल रहा है। गुरुवार को वजीरगंज ब्लॉक पर प्रशिक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी पंचायत रंजीत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों का विकास ग्राम पंचायत विकास योजना से न केवल गांव का समग्र विकास होगा, बल्कि सक्रिय जन भागीदारी से गरीबों व उपेक्षित वर्गों का समुचित विकास सुनिश्चित होगा। प्रशिक्षक गौतम कुमार, अरुण शेखर व उमा रानी ने संयुक्त रूप से बताया कि गांव सभा के सम्मानित 5 लोगों का चयन कर टास्क फोर्स गठन किया गया। रोटा, जखौलिया, कोटरा, रसूला आदि के प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ब्लॉक बिसौली पर प्रशिक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी पंचायत अशोक कुमार मौर्य ने सभी सदस्यों को राज्य वित्त व वित्त की टाइड एवं अनटाइड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं प्रशिक्षक अंटू सिंह व विपिन ने समितियों व पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। ब्लॉक आसफपुर पर फिरदौस रजा व रूबी सागर, सहजबान पर शिवम भारद्वाज व जितेंद्र सिंह, जगतपुर पर रूपेंद्र पटेल, सलारपुर पर कुंवर पाल मयंक प्रसाद, अंबियापुर पर मधुबाला, मयाव पर उमेशा, ढेगवा पर अमरीश पटेल द्वारा टास्क फोर्स के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताते चलें कि टास्क फोर्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। एक बार में 8 ग्राम पंचायत के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बदायूं से गौतम कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। खम्हारिया हरिवंश विकास खंड पंडारी कृपाल जनपद गोंडा रामचरित्र मौर्य प्रधान प्रतिनिधि ने यूएफटी न्यूज 24 के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं।